ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 21 मार्च 2020, शनिवार का दिन है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा जो कि मकर राशि में सुबह 7:33 तक, उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। दिशाशूल जो कि पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो अदरक खा करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया कार्य आपको नहीं करना चाहिए। हालांकि राहु काल का निर्णय आप अपने क्षेत्र के पंचांग और कैलेंडर के अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि राहु काल अधिकतम क्षेत्रों में नहीं माना जाता और कुछ क्षेत्रों में माना जाता है। दैनिक ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव जो कि मीन राशि में, चंद्रमा मकर राशि में सुबह 7:33 तक, उसके बाद कुंभ राशि में होंगे। मंगल ग्रह धनु राशि में, बुध कुंभ राशि में, देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मेष राशि में, शनिदेव मकर राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में विद्यमान रहेंगे। इस दैनिक ग्रह गोचर के अनुसार वृषभ, कर्क, धनु, मकर और कुंभ, ये 5 राशियां महाभाग्यशाली रहने वाली है। दिन इनके लिए सबसे खास साबित होगा। मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इसके अलावा इनको आर्थिक लाभ के भी उत्तम योग बनने वाले हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी इनकी बढ़ सकती है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि 12 राशि वालों को क्या खास उपाय करना है एवं 12 राशि वालों के भाग्यशाली अंक क्या रहने वाले हैं। तो हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। सोच विचार कर आगे बढ़े, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। मन मर्जी का काम करने में आपकी अधिक रुचि रहेगी। खास मामलों में किसी अनुभवी की सलाह लेना आपके लिए ठीक रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। आपकी व्यक्तिगत समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों के साथ आपका बहुत अच्छे से समय व्यतीत होगा। और उपाय के रूप में चावल में घी और शक्कर मिला करके गाय को खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 9 होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलने का योग है। आप चाहें तो जोखिम भी उठा सकते हैं। आप पूरा ध्यान अपनी जिम्मेदारियों पर रखें, हर काम पूरे जोश और लगन से करें। आपकी कोशिशें जल्द ही रंग लाएगी। पैसों के मामले उलझे हुए हैं तो सुलझ जाएंगे। स्थितियों को सुधारने के बारे में विचार करें। अपनी मेहनत पर आपको गर्व रहेगा। पूरी बात समझे बिना कोई भी फैसला लेने की गलती बिल्कुल न करें। वाहन के मामलों में सावधानी आपको रखना चाहिए। और उपाय के रूप में फूल वाले पौधों में पानी डालना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 4 होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आज ज्यादातर खर्चा घर परिवार के कामों पर होगा। प्रेमी के साथ और अपने करीबी दोस्तों के साथ संबंधों में सुधार करने की कोशिश होगी। खुले मन से बात करें और दूसरों की परेशानी समझने की कोशिश करें। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। नौकरी या बिजनेस के रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। किसी खास समस्या को लेकर आपकी टेंशन बढ़ सकती है। काम का बोझ अधिक रहेगा। जल्दबाजी में काम करने से आपको बचना चाहिए। और उपाय के रूप में चंदन का तिलक लगाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। किस्मत की मदद से सभी काम पूरे हो जाएंगे। कोई भी काम करने से पहले ठीक प्रकार से चेक कर ले। अचानक धन लाभ होगा। किस्मत का साथ मिलेगा। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। दिन भर आप खुश रहेंगे। कामकाज में आप बहुत हद तक सफल हो जाएंगे। विवाद निपटाने में जो है आपको किसी का सपोर्ट भी मिलेगा। आज अपने कामकाज में संतुलन बनाने का प्रयास करें। दूसरों की मदद करने की हर संभव कोशिश करें। आपकी जो भी समस्या हो उसके बारे में सलाह देने या लेने के लिए कोई भी मिल जाएगा। व्यापारिक मामलों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। जल्दबाजी में किया गया काम नुकसान दे सकता है। और उपाय के रूप में कुमकुम का तिलक लगाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 8 होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। उन्नति के लिए आप मेहनत कर सकते हैं। पूरी ताकत से कामकाज निपटाएंगे तो आप सफल हो जाएंगे। आज आप अपनी नौकरी बदलने के बारे में विचार कर सकते हैं।
इसके लिए अच्छे ऑप्शंस भी आपको मिलने वाले हैं। कामकाज में मन लगेगा, उदारता भी रहेगी। काम निपटाने, बिल चुकाने जैसे बकाया कामों पर आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। आप जिससे मिलेंगे वह आपसे प्रभावित हो जाएगा। रूठे हुए प्रेमी को मनाने जैसी स्थिति बन सकती है। नकारात्मक बातों पर भरोसा करने से बचना चाहिए। कुछ खास लोगों से मदद आपको मिलने वाली है और उपाय के रूप में घर से निकलते समय इलायची खाकर निकलना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 2 होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। आज सामाजिक कामकाज में आप बहुत व्यस्त रहेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह का सरप्राइज भी आपको मिल सकता है। रोजमर्रा के कामों को लेकर कोई नई योजना आप बना सकते हैं। थोड़े समय में सब ठीक होने का योग है। लोग आपसे कई तरह की अपेक्षाएं रखेंगे। लोगों को किसी न किसी तरह से आपकी मदद की आवश्यकता होगी जो कि आपको मिल जाएगी। खर्चों में कमी की कोशिश करें। आज कुछ मामलों में आपकी उलझनें बढ़ सकती है, आपकी परेशानी बढ़ने की संभावना है। परिवार से मतभेद हो सकता है, कुछ मामलों में परिस्थितियां आपके अनुरूप नहीं हो पाएगी और उपाय के रूप में बादाम खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 3 होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। आपके मन में कई प्रकार के नए नए विचार उत्पन्न होंगे। आपके बनाए प्लान में कोई बदलाव हो सकता है। आप ज़्यादा जोश में रहेंगे, कई लोगों से आपकी मुलाकात होगी। अपनी बात कहने में आप बहुत हद तक सफल भी हो जाएंगे। माता पिता के साथ संबंधों में सुधार होने का योग है। सामाजिक क्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। कर्मचारियों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है और यदि आप नौकरी में है तो वहाँ पर आपका महत्व बढ़ने वाला है। किसी बात को लेकर के थोड़े से आप जो है भावुक हो सकते हैं या तनावपूर्ण स्थिति का सामना भी आपको करना पड़ेगा। परिवार के कुछ मामलों में आप पर झुंझलाहट हावी होगी। आप ज़्यादा संवेदनशील न रहे, इसका नेगेटिव असर आपके काम पर पड़ेगा। बिना सोचे समझे बोलने से आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। बातों बातों में आपको कोई राज की बात भी उजागर कर देगा और आपको जो है जल्दबाजी में अपनी बात नहीं बोलना चाहिए। उपाय के रूप में लाल कपड़े में मसूर की दाल रख करके दान करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 1 होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अचानक कोई अच्छा काम शुरू करने का मन आप बना सकते हैं। परिवार पर होने वाले खर्च से परिवार के लोग खुश रहेंगे। आज आप एक समय में एक से अधिक काम करने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों और प्रेमी जनों के साथ संबंध मधुर होंगे। सभी के लिए आज आप बहुत मददगार साबित होंगे। अपनी सीमा में रहते हुए काम करेंगे तो ठीक रहेगा। सुस्ती और आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं और उपाय के रूप में बेसन से बनी मिठाई का दान करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपको किसी नतीजे का इंतजार रहेगा। दिन भर व्यस्तता रहेगी और ज़्यादातर काम आसानी से निपट जाएंगे। आत्मविश्वास के दम पर आप लगभग हर कोशिश में सफल हो जाएंगे। आप जो भी फैसला करेंगे वह आपके जीवन को आने वाले समय तक प्रभावित करेगा। हर बात पर बेहद तार्किक ढंग से विचार करने का प्रयास करें। नया बिजनेस, नया पार्टनरशिप का संबंध शुरू हो सकता है। यात्राएं होने का योग है। यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा और अचानक आपके काम शुरू हो जाएंगे। वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए और उपाय के रूप में सरसों के तेल का दीपक भगवान शंकर जी के मंदिर में लगाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 7 होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। निवेश से आपको फायदा होगा और किसी जरूरतमंद की मदद करने में जरा भी संकोच न करें। टेंशन वाले मामलों में आपको राहत मिलेगी। सामूहिक कार्यों में सफलता का योग है। कोई फैसला लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा शांत होकर कुछ सोचें। आप कोशिश करेंगे तो लगभग हर काम में सफलता मिलने की संभावना है। यदि आप विवाह योग्य है तो आपके विवाह की चर्चा हो सकती है। अटके हुए कागजी काम भी आपके पूरे हो सकते हैं और उपाय के रूप में देवी जी के मंदिर में मेहंदी चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। बिजनेस में नई योजनाएं बन सकती है। शांति से विचार करेंगे तो परेशानियां और डर समाप्त हो जाएगा। आज काम के सिलसिले में यात्रा होगी, परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। योजना बनाने से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करना फायदेमंद साबित होगा। एकाग्रता और मेहनत से काम निपटाने की आप कोशिश करेंगे और
परिवार के साथ आपका समय व्यतीत होगा, मन में आशंकाएं बढ़ सकती है, राज की बातें किसी से शेयर करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। साथ के लोगों को बिना मांगी सलाह न दे, खुद परेशानी में फंस सकते हैं। जल्दबाजी बिल्कुल न करें और उपाय के रूप में भगवान विष्णु जी के मंदिर में पीला फूल या फूल की माला चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। आपका भाग्यशाली अंक जो कि 5 होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कई अधूरे काम आपके पूरे हो जाएंगे, दूसरे क्या सोचते हैं आप तुरंत समझ जाएंगे। पार्टनर के साथ खुली और ईमानदारी की बात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। आज कामकाज अधिक रहेगा, मेहनत बढ़ेगी, नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। कुछ मामलों में किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पाएगा। और उपाय के रूप में गाय को गुड़ और रोटी खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा और आपका भाग्यशाली अंक जो कि 6 होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय तथा भाग्यशाली अंक हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।